रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्यतः प्रभु श्री राम से इसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण की रचना ही ना होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं। परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई दुर्गुण हों, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि वो अनाचारी और अधर्मी हो गया। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के बारे में कई तरह की पौराणिक कथाओं का विवरण मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वरवा का पुत्र और पुलस्त्य मुनि का पोता था। कथा के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम के तीन दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। ये देख सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्राण बचाने को कहा। भगवान शंकर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री विष्णु जी के पास जाएं। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी देवतागण भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु के पास चल दिए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बात सुनकर श्रीहरि विष्णु ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी जाएं और भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद श्री विष्णु पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात भगवान विष्णु और तीनों भाई माल्यवान, माली और सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली डर कर पाताल लोक भाग गए। कुछ समय बाद सुमाली पाताल लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन अंदर से वो डर रहा था कि कहीं कोई देवता उसे देख ना ले। इसी वजह से सुमाली कुछ समय बाद ही पाताल लोक वापिस चला गया। वापिस आकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय मिल सके। फिर सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्वरवा से करा दे, जिससे देवताओं जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो पाए। यही बात उसने अपनी पुत्री कैकसी को जाकर बताई। कैकसी दैत्य पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही कैकसी ऋषि विश्वरवा से मिलने वहां से निकल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी में आने में उसे वक्त लग गया। जब वो ऋषि विश्वरवा के पास पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी, साथ ही बादलों की गर्जना के साथ बारिश भी हो रही थी। कैकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्वरवा को प्रणाम किया और उसके बाद उसने उनसे विवाह कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। कैकसी की बात सुनकर ऋषि विश्वरवा ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। ये सुन कैकसी ने ऋषि विश्वरवा के चरण पकड़ लिए और बोली, हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी, मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। कैकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि विश्वरवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद कैकसी ने तीन पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्ञानी होते हुए भी रावण दुराचारी और अधर्मी गलत ग्रह नक्षत्रों में पैदा होने की वजह से हुआ। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।